नेटफ्लिक्स पैकेजेस की पेमेंट किस तरीके से जैज कैश और इजी पैसा से होती है? अब तो सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आपकी वीडियो के अंदर तो इजी पैसा और जैज कैश का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन जब अब हम नेटफ्लिक्स पे जाते हैं और पैकेज खरीदना चाहते हैं तो वहां पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इस बारे में बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं केके नेदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एचपी लाइफ विद केके। कुछ अर्से पहले मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से नेटफ्लिक्स का अकाउंट पाकिस्तान में क्रिएट होता है, किस तरीके से उसके पैकेजेस परचेज किए जाते हैं और पेमेंट किस तरीके से की जाती है। थैंक गॉड और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू के इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो के ऊपर, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज मिले, साथ ही आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिले। तो मैंने बेहतर सोचा कि इसके ऊपर एक फ्रेश वीडियो बना ली जाए, आपके क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल जाए और अब आपको ये भी पता चल जाए कि अब नेटफ्लिक्स के पैकेजेस की पेमेंट जो है वो किस तरीके से होती है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और तमाम प्रोसेस देखते हैं और साथ साथ आपके क्वेश्चन के जवाब भी देते हैं। और आप दोस्तों से अगेन वही रिक्वेस्ट कि हमने एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करनी है और इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ लगे बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। गैस लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने सर्च करना है www.netflix.com। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का सरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आपने यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स के ऊपर यहाँ पे गेट स्टार्टेड के सामने जो ऑप्शन है यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है जिसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके बाद गेट स्टार्टेड को प्रेस कर देना है। आपके पास अब कुछ इस टाइप का सरफेस ओपन होगा, वेलकम बैक, ज्वाइनिंग नेटफ्लिक्स इज इजी। यहाँ पे जो है वो आपने ईमेल एड्रेस के नीचे अपना कोई भी पासवर्ड क्रिएट करना है। वेरी सिंपल, आपका कुछ सेकंड के अंदर अकाउंट जो है वो रेडी हो गया। राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप पासवर्ड सेव करना चाह रहे हैं तो आप इसको सेव कर लेगा, नहीं करना चाहते तो ना करें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें लिखा हुआ चूज योर प्लान, नो कमिटमेंट, कैंसिल एनी टाइम, यानी मैं जो प्लान ले रहा हूं मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है कि मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, मैं किसी टाइम भी कैंसिल कर सकता हूं। एवरीथिंग ऑन नेटफ्लिक्स फॉर वन लो प्राइस, नो एड्स एंड नो एक्स्ट्रा फीस एवर। तो अब हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब तो मैंने फर्स्टली जो है वो दे दिया है कि नए मेथड के तहत बता दें कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। तो वेरी सिंपल, अकाउंट का वही मेथड है, सिंपली फॉरन अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पैकेजेस जैज कैश या इजी पैसा से कैसे परचेज किए जाते हैं, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस टाइप का सरफेस आपके सामने ओपन हुआ है, यहाँ पे फोर पैकेजेस हैं। तो जल्दी से मेन पैकेजेस के बारे में आपको बता दूं, फर्स्ट पैकेज जो है वो लो प्राइस का है, 250 उसकी प्राइस है, वीडियो क्वालिटी जो है वो गुड होगी, रेजोल्यूशन 480 होगा और आप सिर्फ फोन और टैबलेट के ऊपर देख सकेंगे। नेक्स्ट जो है वो बेसिक है, यानी इसका इसकी जो प्राइस है मंथली वो 450 है, गुड क्वालिटी है और रेजोल्यूशन 720 है, फोन टैबलेट कंप्यूटर टीवी आप इन तमाम स्क्रीन के ऊपर जो है वो मूवीज ड्रामास वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। और थर्ड जो है वो स्टैंडर्ड है, 800 इसकी पर मंथ प्राइस है और इसके अंदर जो है वीडियो क्वालिटी अब गुड से बेटर की तरफ चली गई है, रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल है, फोन टैबलेट कंप्यूटर टीवी सारी स्क्रीन के ऊपर आप इस क्वालिटी के साथ देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट पैकेज जो है जिसको उन्होंने वीडियो क्वालिटी भी बेस्ट कहा है, 1100 मंथली प्राइस है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने आपके लिए सारे पैकेजेस रख लिए हैं। इसके अंदर 4K प्लस HDR रेजोल्यूशन है, फोन टैबलेट कंप्यूटर टीवी सब पे ये पैकेजेस अवेलेबल हैं। अब हमने जो है वो फर्स्ट पैकेज को जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने सबसे लो प्राइस वाले पैकेज को जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया है, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट को प्रेस कर देते हैं। अब आप जो ही यहाँ पे इस स्टेप पे आते हैं तो आप देखें यहाँ पे चूज हाउ टू पे, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इजी पैसा का या जैज कैश का बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे वीजा कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, डेबिट क्रेडिट कार्ड सो ऑन, इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इट्स मीन डायरेक्टली अगर आप नेटफ्लिक्स के ऊपर है अकाउंट बनाते हैं और वहां से पैकेजेस परचेज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है जैज कैश इजी पैसा से पेमेंट करने का। तो सेकंड क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था कि अब यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसके लिए कुछ और ऑप्शन है जिनमें सहरे फ्रेस जो है वो द्राज.com है,
वहां से जो है वो जो आप ये पैकेजेस जो है ना वो जैज कैश और इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करके ले सकते हैं। लेकिन जो सिंपली नेटफ्लिक्स के ऊपर ही रहते हैं और नेटफ्लिक्स को ही गो थ्रू किए हुए हैं तो वो भाई इस तरह के पैकेजेस जो है वो जैज कैश नहीं। वो एटीएम कार्ड जैसे वीजा कार्ड भी कहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड सब जो है वो कार्ड यहां जो है वो यूज करके यहां से पैकेजेस खरीदने होंगे। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का जो जवाब मिल गया। अब यह है वो अगर आपको इस तरीके से पेमेंट करनी है तो आपको ये पैकेज कैसे खरीदना है। तो यहां पे सिंपली किसी भी कार्ड के ऊपर जो है वो आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यहां पे ऑप्शन आ जाएगा। अपना फर्स्ट नेम लिखें, नीचे अपना लास्ट नेम लिखें, यहां पे जो आपका कार्ड नंबर है वो लिखें, ठीक है। उसके बाद उसकी एक्सपायरेशन डेट जो है वो लिख दें, यानी कि इसकी एक्सपायरी कार्ड की क्या है वो कार्ड के ऊपर ही मेंशन होती है। इसमें जो मेथड है वो ये है कि पहले जो है वो मंथ लिखा होता है, उसके बाद जो है वो ईयर लिखा होता है। तो हम इसको मंथ लिख देते हैं अक्टूबर और 2023 लिख देते हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे, मैं एक्यूरेट नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे आज को इस तरीके से सिखाते हुए शो कराना बड़ा रिस्की होता है। तो उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी कोड जिसको CVV भी कहते हैं, ये आपके कार्ड के ऊपर मेंशन होता है, 3 डिजिट का होता है, ठीक है। तो वो वहां से आप जो है वो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ देने के बाद भी अगर आपका मूड चेंज हो जाता है कि हम जो है वो ये पैकेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, इसको चेक इन कर लें और उसके बाद स्टार्ट मेंबरशिप को यहाँ से प्रेस कर लें। जब आप स्टार्ट मेंबरशिप के ऑप्शन को प्रेस कर लेंगे तो इसके बाद जो है वो डायरेक्टली ये अमाउंट आपके नेटफ्लिक्स के अंदर इस पैकेज की मद में शिफ्ट हो जाएगी और आप जो मतलब पैकेज परचेज करना चाह रहे हैं वो परचेज कर लेंगे। तो ये मेथड है वीजा कार्ड के थ्रू पेमेंट करने का। और अगर आप लोग यहां नीचे मुझे कमेंट्स में ये बात बताएंगे कि मैं आपको जैज कैश और इजी पैसा का वो मेथड भी बता दूं जो draz.com या किसी और वेबसाइट से यूज करके आप पैकेज खरीदें, आपके पास कार्ड का ऑप्शन नहीं है और आप उसी तरीके को ही लेके चलना चाह रहे हैं, तो आपके कमेंट्स के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे वो वीडियो भी बनानी है कि नहीं बनानी। तो साथ ही जाने से पहले आप दोस्तों को यह कहता जाऊंगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो तब दोस्तों से चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।